हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फाइनेंस अज्ञान। मैं आपकी प्रॉब्लम इतनी सरल कर दूंगा कि आपके चेहरे की खुशी में डबल कर दूंगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा भाई फाइनेंस जॉब में एक्टिव फाइनेंस और शॉर्ट फाइनेंस क्या होता है, सीख जाओगे, बहुत काम आएगा आपको। देखिए, आप फ़ोन करते हैं मुझको, तो अगर आप मुझे फ़ोन करते हैं तो मिस कॉल कर दीजिए, मैं आपको कॉल उठा लूँगा, या फिर मैं फ्री रहूँगा तो मैं आपको कॉल उठा लूँगा। मैं बहुत आजकल बिजी रह रहा हूँ, ठीक है, बहुत 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 बिजी हूँ मैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिएगा, और ग्रुप में शामिल होना है तो मुझको व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, मैं आज नहीं तो कल आपको ज़रूर जोड़ दूँगा। अभी मैं बहुत 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 बिजी चल रहा हूँ, मैं बहुत काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं अकेला पड़ गया हूँ, मैं समझ नहीं रहा हूँ आप के लिए, इसलिए मैं बहुत काम कर रहा हूँ आपके लिए। तो मुद्दे पे आते हैं, एक्टिव फाइनेंस क्या होता है और शॉर्ट फाइनेंस क्या होता है। देखिए, फाइनेंस में एक्टिव फाइनेंस वो होता है जो आपके पास केसेस हैं, ठीक है, जो आप करने वाले हो। ऐसा नहीं है कि वो केसेस मतलब होने ही वाले ही नहीं है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा आपके पास कुछ एक्टिव फाइनेंस है क्या, तो जिसका आपने फाइल साइन करा लिया है, जो गाड़ी लेने वाला है उसका फाइल साइन है, उसका डॉक्यूमेंट सब रेडी है, बस वो लेने ही वाला है, उसको बोलते हैं एक्टिव फाइनेंस। ऐसा नहीं कि फाइल जहाँ लेगा, फाइल साइन नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, वो कभी मुकर सकता है। जहाँ फाइल साइन हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, सब कुछ उसका हो चुका, ओके हो चुका है, बस वो डेट कब कि भाई उसका बर्थडे है, इस डेट मिलेगा, दिवाली मिलेगा, फलना ढिपका कभी भी लेगा वो, लेकिन लेगा वो, हमारे पास से लेगा, टेंशन मतलब वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्टिव फाइनेंस। ये फाइनेंस ज़्यादातर चलता है हीरा नंदानी फाइनेंस में, इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं एक्टिव फाइनेंस को, ठीक है, बाकी में नहीं करते हैं। और कुछ लोग हम लोग करते थे एक्टिव फाइनेंस, ठीक, उस समय करते थे हम लोग अपने ब्रांच में, ठीक है। और एक होता है शॉर्ट फाइनेंस, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बहुत सीरियस मैटर के पे बात कर रहा हूँ मैं, समझ जाओ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी लाइफ बदल सकती है, आपको दो दो भी लाइफ मिल सकती है। तो शॉर्ट फाइनेंस में क्या होता है कि आप, ये रीफाइनेंस में होता है, ठीक है, रीफाइनेंस में क्या होता है, आपको फाइनेंस, सामने वाला फाइनेंस, सामने वाला चाह रहा है कि उसको 4 लाख रुपया फाइनेंस हो, ठीक है, लेकिन उसके मॉडल के हिसाब से, उसकी मॉडल है 2019 की 2017 की, आपके पास उसको देने के लिए मात्र 3.5 लाख रुपया ही है, उसको आप 3.5 लाख रुपया ही दे सकते हो। तो फाइनेंस शॉर्ट पड़ गया कितना, 50,000 रुपये का। ये कौन देगा, ये देगी, ये देने वाली है, नहीं देगी ना ये, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके लिए आपको BM की ज़रूरत पड़ेगी और अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, और आपका जो एरिया हेड, एरिया मैनेजर है या फिर आपका प्रोडक्ट मैनेजर है, वो आपको अप्रूवल देगा। वो भी किस बेस पे देगा, उसकी प्रोफाइल, उसका क्या बोलते हैं उसको, सिविल पे होगा, सिविल बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, या उसका लोन का स्टेटमेंट, जो पिछला लोन उसने कभी लिया होगा वो पटाएगा, या फिर उसका एक लोन आपके यहाँ से चल रहा होगा वो उसको निरंतर और बराबर पटा रहा होगा, बराबर दे रहा होगा, ऐसे तो आपको उसमें 50,000 रुपया और अप्रूवल के थ्रू मिल सकता है, तो उसका काम भी हो गया और उसका काम भी हो गया। तो ऐसा मत करना कि कोई अगर 4 लाख चाहता है और आपके पास 3.5 लाख रुपया ही है देने को, आपके पास में अप्रूवल में आपके पास दिया गया जो सीट है ब्राउज़र में, तो भी अगर अच्छा कस्टमर है तो उसको दे सकते हैं, वरना मना कर देना, आपके अप्रूवल बहुत कम मिलता है, ये हेडेक मत लेना। अगर बहुत अच्छा कस्टमर है और आपको फ़ायदा हो रहा है, वहाँ से कुछ मिल रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा कुछ मिल रहा है, तो ही लेना। हम उसी का करते थे जो हमको देता था, क्योंकि हमें पैसा कमाने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी और हम उसी को देते थे ये फाइनेंस सुविधा, शॉर्ट फाइनेंस, जो हमको बहुत कुछ देता था। आप समझ गए क्या देता था हमको, हमको बहुत कुछ जो देता था, हम उसी को ये शॉर्ट फाइनेंस करते थे, उसी के लिए अप्रूवल लेते थे, उसी के लिए हम बहुत जोर, सर ये फाइनेंस कर दो, सर फाइनेंस कर दो, बहुत अच्छा आदमी, बहुत सिविल देख लो सर, इसका लोन का स्टेटमेंट देख लो सर, 4 गाड़ियाँ हैं, ये बहुत बड़ा आदमी है सर, इसको लोन आप कर दो, ये हो जाएगा, आप बड़ा दो लोन, समझे, तो वो उनका हो जाता था, हम भी खुश, वो भी खुश, फाइल भी मिल गई, इंसेंटिव मिल गया और हमको बहुत कुछ मिल गया। तो ये हो गया, आप समझ गया कि एक्टिव फाइनेंस और शॉर्ट फाइनेंस क्या होता है, समझे। आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम में मैं आपको हमेशा मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं अब फेसबुक में तो उतना रहता नहीं हूँ, और मैं व्हाट्सएप
भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ, तो आप मुझे ज़्यादा अच्छा होगा कि मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करें, और इंस्टाग्राम का लिंक मुझको आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा, वरना आप सर्च करना प्रतुल चौधरी कौन है, प्रतुल चौधरी सर्च करना, क्योंकि प्रतुल नाम और इंडिया में शायद एक आध दो होगा, मैंने तो सुना नहीं प्रतुल नाम किसी का है, ऊपर से लग गया चौधरी, तो ये प्रतुल चौधरी आराम से आपको मैं ही दिखूंगा वहाँ पर, मैं अकेला हूँ ठीक है वहाँ पर, ठीक है, तो और इंस्टाग्राम में तो अकेला ही हूँ ठीक है। तो ये वीडियो आपकी लाइफ चेंजर हो, गेम चेंजिंग हो, आपका लाइफ में कुछ बेहतर हो और आपको बहुत कुछ मिले। ईश्वर ने कहा है, ईश्वर कहता है, क्योंकि ईश्वर कहता है आकाश में उड़ते हुए पंछियों को देखो, ना बोते हैं ना खाते हैं, फिर भी उनका ईश्वर उनके लिए सब प्रबंध करता है, तो डरने की बात नहीं, आप कुछ नहीं भी करोगे तो आपके लिए व्यवस्था की गई है ईश्वर की ओर से, तो बिंदास रहिए, टेंशन मत लीजिए, डीमोटिवेट मत होइए, जमता है तो करने का, नहीं तो आगे बढ़ने का। होप आपको वीडियो पसंद आया, तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले, शुक्रिया और शब खैर मेरे दोस्तों।